31 मई दिल्ली के कृष्णा नगर में एक डबल मर्डर के बारे में जानकारी मिलने के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। अब इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और इसके पीछे की मकसद पर भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल कृष्णा नगर में रह रही माँ बेटी के लिए ऑपरेशन मालामाल चलाया गया था और चंद पैसों के लिए एक कंप्यूटर टीचर ने एक सिंगर के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी थी। खास बात यह भी है कि इस सिंगर ने ओटीटी पर आने वाले एक वेब सीरीज के लिए गाना भी गाया है। घटना के बारे में डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि दोनों आरोपी शातिर थे। ये केस कैसे स्टार्ट हुआ? ये जो किशन है, ये एक मार्केटिंग मैनेजर है। वो साथ ही साथ पार्ट टाइम होम ट्यूशन के लिए भी उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उसको जो हमारी विक्टिम है राज रानी, जो 73 ईयर ओल्ड लेडी हैं, इसने कांटेक्ट किया उनकी बेटी को कंप्यूटर सिखाने के लिए। इनका कांटेक्ट लगभग अप्रैल में हुआ। ग्रेजुअली वो उसको उनका कॉन्फिडेंस गेन करता चला गया, क्योंकि वो लोग जो उनकी जो छोटी बेटी थी गिन्नी, जिसकी शादी नहीं हुई थी 39 ईयर ओल्ड, उनको इतना कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, इतना जो वो बोलने में और बात करने में और सुनने में भी वीक थी। तो इसमें जैसे जैसे उसको वो कॉन्फिडेंस गेन करता गया, वो कि इनका कुछ कैश ऑन डिलीवरी का उसने आइटम्स को मंगवाया, ऑर्डर किया। साथ ही साथ इनका एक ये यहाँ से शिफ्ट होना चाहते थे, तो लाजपत नगर में इनके लिए घर भी ढूंढवाया। तो उनका जो राज रानी है, जो रिटायर्ड थी ऑल इंडिया रेडियो से, वो तबला आर्टिस्ट थी, उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, उनके अकाउंट्स की एक्सेस मिल गई। जब अकाउंट्स उसने देखे तो उसमें 50 लाख से भी ज़्यादा रुपये थे, और तब इनका मन में ये चालू हुआ कि हम कैसे इनको लूटा जाए। फर्स्ट चीज़ इन्होंने यह कि इन्होंने दो लॉयर से कांटेक्ट किया और सबसे पहले प्लान किया कैसे हम इस अकाउंट से ये इतने सारे रुपए हैं इनको निकाल लें और ऑनलाइन निकाल लें और फिर हम यहाँ से गायब हो जाएं, क्योंकि वो उनके लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करता था, तो इसको ये चीज़ पता चल गई थी। लेकिन जो लेडी थी, उन्होंने जो जिस अकाउंट में सबसे ज़्यादा पैसे थे उसमें ऑनलाइन बैंकिंग और साथ ही साथ डेबिट कार्ड एक्सेस बंद कर रखा था, तो उनका ये प्लान अनसक्सेसफुल हुआ। फिर ये वापस दोनों कॉन्स्पिरेटर्स बात करते रहे कि हम कैसे करें। फिर इन्होंने 17 तारीख को एक मिशन मालामाल करके व्हाट्सएप पे इनका एक प्लान चालू हुआ। उसके तहत ये आपस में बात करी कि जो दूसरा हमारा एक्यूज है अंकित कुमार सिंह, ये अपनी सिस्टर की शादी में वहाँ आसाम में था, बोगाई गाँव में, उसको यहाँ एक प्री प्लान तरीके के तरीके से बुलाया गया यहाँ पे। वो अपने 23 तारीख की ट्रेन से वो यहाँ पे आया, 24 को यहाँ पे आया। इसको एक प्री डेजिग्नेटेड एक जगह वहाँ बुक करके होटल में ओयो में रुकाया गया, और उसके बाद इन्होंने वारदात के दिन इसकी रैकी करी जगह की, साथ ही साथ चाकू खरीदे। और फिर जब उनका कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने लेडी को ये कॉन्फिडेंस में दिलाया कि जो लेडी की जो बेटी थी, उनको बेसिकली इश्यूज तो थे ही, डिफरेंटली एबल्ड थी वो, तो इसलिए उनको पहले से दो ट्यूटर्स पढ़ा रहे थे, तो वो चाहती थी कि एक इंग्लिश ट्यूटर और मिले। तो जो हमारे जो किशन है, जो उनको ऑलरेडी ट्यूट कर रहा था, उसने उसको इंट्रोड्यूस करा कि मैं एक ट्यूटर आपको ऐसा ढूंढूंगा। तो उस दिन राज रानी जो डिसीज्ड हैं, उनकी हमारे किशन से बात हुई और बोला कि आप उसको लेके आ जाइए। इनकी बातचीत चली रही थी कि ऐसे हम एक ट्यूटर को कर सकते हैं, और पहले उसने मना कर दिया था राज रानी ने कि वो ऑक्यूपाइड है, लेकिन शाम को उसने उसी दिन वापस से उसको कंफर्म कर दिया। तो ये तुरंत वहाँ पे पहुँचे और ये बैग्स लेके गए। लगभग 9:50 पे इन्होंने घर में एंट्री ली और वहाँ पे इन्होंने दोनों का बेरहमी से कत्ल किया, पूरा घर रैनसैक किया। जो इनको इनको काफ़ी कुछ जैसे सुनने में आता था, बात करने में आता, जो पॉसिबल चीज़ें थी वहाँ पे, वैल्यूबल आइटम्स थे और एविडेंसेस थी, उनको डिस्ट्रॉय किया और वैल्यूबल आइटम्स को लूटा। और वहाँ से लगभग 11:10 में वहाँ से निकल गए। यहाँ से जाते ही वो वापस लखनऊ की ओर भागे। उन्होंने फिर कोशिश की इनके अकाउंट्स के साथ छेड़खानी करने की। ये हमारा सेकेंड कोलैबोरेटिव क्लू था, और इसके बेसिस पे हम काफ़ी जो हमारी टीम्स, इतनी टीम्स ने इस केस में जो मेहनत करी थी, उन्होंने दोनों एक्यूज को पकड़ा।
पूछताछ में पता चला है कि अंकित कुमार बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है। वो एक अच्छा गायक भी है, इसका एक म्यूजिक बैंड भी है। वो पार्टियों और इवेंट्स में गाना भी गाता था। ओटीटी फिल्म के लिए गीत संगीत की तैयारी भी की थी। इंस्टाग्राम पर उसके काफी फॉलोवर्स भी हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।